अस्सलाम वालेकुम टिप्स टाइम के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से वेलकम खुश आमदी। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी एक जबरदस्त नुस्खे के साथ आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है टिप्स टाइम भी हमेशा ही मैं देसी और हर्बल इलाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और आज जो मैं नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ऐसा जबरदस्त नुस्खा है, जान डालने वाला नुस्खा है कि जिनकी ताकत मर्दाना ताकत बिल्कुल सिफर भी हो चुकी है उनके लिए ये एक जानदार नुस्खा लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे सुनने वाले जो भी हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप नुस्खा पूरा सुने ताकि आप तक एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं आज आपको इस नुस्खे के चंद फायदे पहले बताऊंगा फिर वीडियो का बाकायदा आगाज करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये मकवी बाह बहुत जबरदस्त नुस्खा है। इस कदर जबरदस्त नुस्खा है कि मैं इसकी अगर तारीफ करना शुरू करूँ तो यकीन जाने के पूरा दिन गुजर जाएगा लेकिन वीडियो खत्म नहीं होगी। लेकिन चंद ही मिनटों में मैं आपको इसका खुलासा दूंगा और मैं इजाजत चाहूंगा आपसे कि आपने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको कहता हूँ कि आपको मर्दाना कमजोरी है या आपको एसाबी कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है, इंशाल्लाह सब दूर हो जाएगी। आपका मादा वाफिर मकदार में पैदा होगा। अगर आपसे हवल नहीं ठहरा तो इंशाल्लाह आपके जरसीम इस काबिल हो जाएंगे मनीके के वो बच्चा पैदा करने के काबिल हों। तो आज नुस्खा आपके हवाले करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि उससे पहले टिप्स टाइम के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो आइए नुस्खे का आगाज करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपने मूली के बीज लेने हैं दो माशा। आप दो माशा मूली के जब बीज ले लेंगे आपने क्या करना है उनको अच्छे तरीके से पीस लेना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है नीम ब्रश अंडा लेना है एक अदद। अब नीम ब्रश से मुराद ये है कि आपने आधा उबला और आधा मतलब कच्चा और आधा पक्का। और आप अंडा जब उबालेंगे तो आपने उसको मीडियम रखना है। जब आप मीडियम रखेंगे तो आपने क्या करना है उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद मूली के जो आपने बीज पीसे हैं वो आपने उस पर जोनसना डाल के आपने सुबह और शाम खाना है। इंशाल्लाह आपकी खोई हुई ताकत वापस आती रहेगी। शुरू में जैसा कि मैंने जुमला मराज बताए हैं जरियान एहतलाम सूरत अंजाल और जो कतरे आते हैं उन सब का खात्मा होगा इंशाल्लाह। आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। उम्मीद है नुस्खा आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके मिजाज के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अपने मिजाज को लाजमी चेक करवा लें किसी मुस्तनद हकीम से फिर इसका बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दें। मुझे आप दीजिए इजाजत में मिलता हूँ कल से भी नए और जबरदस्त नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।